शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः और पुनः स्वागत है। सबों को सुप्रभात के साथ मैं मैट्रिक्स का चौथा वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। पिछले वीडियो को आपने कंप्लीट कर लिया होगा ऐसा उम्मीद करता हूं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज को पढ़ा, आज उसी की कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो जो क्वेश्चंस आपको दिक्कत होगा, मैंने आपको बोला कि आप कमेंट में लिख सकते हैं, चाहे वो किसी भी राइटर का हो। तो क्लास में जो बच्चे बैठे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज में जो दिक्कत है वो एक एक करके पूछेंगे और ऑन डिमांड मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो एक एक करके स्टार्ट हो जाइए जो पूछना है। AB is equal to BA, बस इतना काफी है। हम लोगों को AB is equal to BA निकालना है, AB is equal to BA निकालना है। तो A कितना दिया हुआ है? cos theta माइनस साइन थीटा cos थीटा एंड बी cos phi माइनस साइन फाई और cos phi, यही दिया हुआ है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में हम आपको कल बताए थे कि आप सावेन याद रखो इस तरह से। तो अभी हम लोग AB और BA निकालेंगे उसी रूल का पालन करते हुए। और इसमें कुछ हम 11th क्लास का फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे और नहीं करेंगे वो दोनों बात हम आपको यहाँ बताएंगे। आप फॉर्मूला का यूज करके भी AB = BA दिखा सकते हैं और BA = AB आ जाएगा, और बिना फॉर्मूला यूज किए भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, AB फाइंड करते हैं। AB यहाँ लिख दीजिए सॉल्यूशन, ताकि पता चले कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। AB तो A में कितना है, cos theta माइनस sin theta cos theta। और सेम यही चीज है यहाँ पे आपका cos phi sin phi cos phi। तो 7 याद रखने बोले थे आपको, कि आपको 7 याद रखना है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसको इससे गुना करते हैं, इस रो को इस कॉलम से गुना करते हैं, आर को सी से गुना करते हैं। तो कॉस थीटा को हम लोग गुना करने वाले हैं, इसको गुना करने वाले हैं इससे पहले, उसके बाद इसी को गुना करेंगे सेकेंड बार में इससे। तो सबसे पहले गुना करना होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को कॉस फाई साइन फाई से गुना करना है। तो कॉस थीटा कॉस फाई, क्लियर है ना। माइनस साइन थीटा साइन फाई, क्लियर। इन दोनों को इन दोनों से गुना किए, रूल क्या है 7, रो को कॉलम से। फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को इससे, तो कॉस थीटा को माइनस साइन फाई से गुना करेंगे तो माइनस पहले लगा देते गुना के कारण, तो कॉस थीटा साइन फाई फिर माइनस साइन थीटा कॉस फाई, क्लियर है ना इतना, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा को फिर इससे, साइन थीटा कॉस थीटा को उसी तरह साइन थीटा कॉस फाई फिर कॉस थीटा साइन फाई फिर साइन थीटा कॉस थीटा को इससे गुना करेंगे तो यहाँ प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस थीटा कॉस फाई। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। वीडियो 3 में इसी पे फोकस था पूरी तरह से, वो मल्टीप्लाई के लिए। अब यहाँ ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा ये A है A है B है। cos A cos B माइनस sin A sin B, किसका फॉर्मूला है कोई बता सकते हैं,
हाथ ऊपर कर सकते हैं, बोलिए सूरज। कॉस थीटा प्लस फाई, ठीक है, या आप बोल सकते हैं, हम नोट में नीचे लिख देंगे ये पूरा सॉल्यूशन के बाद, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला है आपका साइन ए प्लस बी का, यह 11th क्लास का फॉर्मूला है। आप यहां भी लिख कर छोड़कर बी ए निकाल कर बराबर करेंगे तो बराबर आ जाएगा, लेकिन आप अंतिम सॉल्यूशन तक गणित को पहुंचा दीजिए ऐसा सोच कर बनाइए। कॉस कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, किसका, ए प्लस बी का फॉर्मूला है, क्लियर ना। फिर यहां ध्यान दीजिए, ये दोनों में माइनस है, दोनों में क्या है, माइनस को पहले हम बाहर निकाल दे रहे हैं, माइनस को क्या कर दे रहे हैं, बाहर निकाल दिए, और जब माइनस को बाहर निकाल देंगे तो दोनों क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और उसके बाद साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दोनों माइनस को हम ले लेंगे तो पूरा प्लस में हो जाएगा, ठीक है, एक स्टेप ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है, दोनों माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस बाहर हो गया और सारा प्लस में, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी, ए के जगह पे क्या है, ए प्लस बी, एक लाइन और बढ़ा देंगे हम ए और बी के जगह पे, ताकि ये पता चले कि आप क्या लिख रहे हैं। उसके बाद वही सेम चीज़ देखिए, यहाँ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी, ये ए के जगह पे है और ये बी के जगह पे, ए के जगह पे बी के जगह पे। अब यहाँ यहाँ पहले कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये वाला फार्मूला यहाँ और ये वाला फार्मूला यहाँ पे है, तो यहाँ भी क्या फार्मूला हो गया, साइन साइन सॉरी साइन कह रहे हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, हाँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे ही लिख देते हैं, ए के जगह पे क्या था, थीटा, बी के जगह पे फाई, माइनस साइन थीटा प्लस फाई, ठीक है, बोलेंगे कि ए के जगह पे तो आप फाई माने हैं तो प्लस में है, फाई प्लस थीटा या थीटा प्लस फाई, एक ही बात हो जाएगा। फिर यहाँ साइन थीटा प्लस फाई और साइन थीटा, यहाँ कॉस है ना, तो कॉस थीटा प्लस फाई, ये क्या निकाले हम लोग, सिर्फ ए बी निकाले हैं, और इसी b को a के साथ गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ba, और दोनों आपस में बराबर आ गया तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है। तो अब ba निकालने जा रहे हैं हम लोग, ba 9 ऊपर लिख सकते हैं, 9 मतलब अब ba, b कितना था, तो cos cos phi माइनस sin phi sin phi cos phi, और ए कितना था, सेम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। क्वेश्चन दिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लो, बी में कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉस फाई, आसान है इसलिए लिख दिए, कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉस फाई। अब फिर वही, लेकिन 2x2 का ये मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का, कल हम आपको बताए थे इसका बाद वाला इसके पहले वाले से मिलना चाहिए तभी एग्जिस्ट करेगा, यानी गुना होगा, और नहीं मिलेगा तो गुना नहीं होगा। तो फटाफट इसको ले लेते हैं, इस दोनों को ये दोनों से, कॉस फाई कॉस थीटा माइनस साइन फाई साइन थीटा, क्लियर है ना, इन दोनों को इन दोनों से, ये दोनों को हमने ये दोनों से गुना किया। उसके बाद फिर कॉस फाई माइनस पहले लगा दे रहे हैं, साइन थीटा माइनस साइन फाई कॉस थीटा, यहाँ इन दोनों को इन दोनों से, साइन फाई कॉस थीटा प्लस कॉस फाई साइन थीटा, इन दोनों को इन दोनों से, साइन फाई कॉस थीटा साइन थीटा। उसके बाद थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा, उसके बाद माइनस
साइन फाई साइन थीटा, इसको इससे, तो साइन फाई इंटू माइनस साइन थीटा, तो माइनस पहले लगा दी, कॉस फाई कॉस थीटा। तो जब हम लोग देखे यहाँ पे, यही स्टेप में हम लोग दोनों को बराबर कर सकते हैं, लेकिन ये एक स्टेप और बढ़ा दिए ताकि मैथ को अंतिम स्टेज तक पहुँचा सके। यहाँ भी वही काम, यहाँ कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, यहाँ तो डायरेक्ट फार्मूला ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी यानी फाई प्लस थीटा, यहाँ दोनों का माइनस कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा प्लस फाई, यहाँ साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, सीधे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है थीटा प्लस फाई, और यहाँ कॉस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस थीटा प्लस फाई। तो इस प्रकार से ये ए बी के बराबर में आ गया, ये ए बी के बराबर में आ गया, तो ये आपस में बराबर हो गया। लेकिन यहाँ जो फॉर्मूला लगा, वो फॉर्मूला को मैं लिख दूँ नोट में, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अगर यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और दूसरा है कॉस ए प्लस बी का माइनस में भी लिखेंगे, इसका है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसको बताने के बाद एक बार और फार्मूला पे हम लोग फोकस करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, कॉस जो है सो स्पेशल फंक्शन का क्वेश्चन होता है जिसको आपने देखा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे यूज किए हैं, यहाँ साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो क्या लिखते हैं, साइन ए प्लस बी, तो साइन थीटा प्लस फाइव, यानी अगर हम इसको थीटा मान ले और इसको फाई मान ले, या इसको थीटा और इसको फाई मान ले, तो फाई प्लस थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फाई प्लस थीटा, और प्लस में थीटा प्लस फाई या फाई प्लस थीटा सेम होता है। तो इस तरह से ये अच्छा क्वेश्चन है, और मैक्सिमम लोग को मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस जब बताते हैं तो डिजिट वाला गुना कर लेते हैं, और साइन और कॉस जैसे ही दिखता है तो लगने लगता है कि फिर पहाड़ आ गया, लेकिन ये पहाड़ बिल्कुल नहीं है, और कह सकते हैं खोदा पहाड़ और निकला चूहिया वाला हल, है कि नहीं। तो और कोई क्वेश्चन, चलिए खड़ा होकर पूछते जाइए। इफ जीरो माइनस सी जीरो, हाँ बी माइनस ए जीरो, एंड बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए बी एस सी ए बी बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर, इसके बाद सो दैट, कल इस पर हम लोगों ने दो दो क्वेश्चन बताया, और वो भी जीरो ही मैट्रिक्स का, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देते हैं, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, क्या तो कह रहा है कि ए बी इज जीरो मैट्रिक्स, बोलने का मतलब है कि ए और बी को गुना कीजिए, और गुना करने के बाद जो आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कॉपी करके यहाँ लिख दे रहे हैं, ये ए हो गया इनटू ये बी हो गया, ठीक है। कल जिस बात पे फोकस कर रहे थे वो था ये थ्री इंटू थ्री का मैट्रिक्स है, और ये भी थ्री इंटू थ्री का मैट्रिक्स है, इसका कॉलम इसका रो से क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। और आर्य अग्रवाल जो नई बुक आई है उसमें गलती लिख दिया है, जिसमें आपको सुधार कर लेना है डेफिनेशन में, उसमें लिखा है कि ए का रो और बी का कॉलम मैच होना चाहिए, जबकि ये गलत है, ए का कॉलम और बी का रो मैच होना चाहिए, तब मल्टीप्लाई होता है, क्लियर है ना।
तो हम चाहेंगे कि आप ही से, आप ही के बीच से कोई आई बोलिए और हम गुना करके लिखे, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे गुना करना है। ठीक है, तो कौन बोल पाएंगे गुना करके? हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए। चलिए, क्या नाम है? अमीशा। चलिए आप ही बताइए। ठीक है, हाथ ऊपर करने में इतना देर नहीं, माना कि ये कल ही स्टार्ट हुआ है और नया चीज़ है, लेकिन कोशिश करना है। ठीक है, कोशिश इसलिए करना है कि जो भी YouTube देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो पढ़े होंगे पहले, तो धीरे धीरे वो भी सीख पाएंगे, कहाँ गलती होता है वो भी समझ पाएंगे। चलिए बोलिए। जीरो इंटू ए स्क्वायर, सीधे जीरो लिखे बाबू? जीरो इंटू ए स्क्वायर नहीं, एक स्टेप बढ़ाते हैं। जीरो इंटू ए स्क्वायर, हाँ, सी इंटू ए बी यानी ए बी सी, हाँ, ए सी, तो माइनस ए बी सी भी हो जाएगा, हाँ या नहीं? yes, उसके बाद इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, थ्री बाई थ्री में थोड़ा लॉन्ग जाना है मल्टीप्लाई होकर। हाँ, आगे जीरो को इससे, तो जीरो इंटू ए बी प्लस, हाँ, सी इंटू बी स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस बी इंटू बी सी यानी बी स्क्वायर सी, क्लियर है ना? फिर उसको इससे गुना कीजिए, जीरो इंटू ए सी प्लस सी इंटू सी इंटू बी सी यानी बी सी स्क्वायर, हाँ, माइनस बी इंटू सी स्क्वायर। बैठ जाइए, बस एक स्टेप पूछ रहे थे, क्लियर है ना? रो को कैसे गुना करते हैं? कॉलम से। याद क्या है ट्रिक? सुभ्रा ट्रिक टू सेवन। सुभ्रा ट्रिक वन क्या था? दो इंटू तीन का मैट्रिक्स खींचना है तो दो लाइन और तीन ऐसे। अभी दूसरे ट्रिक में है सेवन, सात सात हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब फटाफट हम करते हैं इसको इससे, माइनस सी को ए स्क्वायर से, तो माइनस सी ए स्क्वायर, जीरो को ए बी से, तो जीरो इंटू ए बी, ए को ए सी से, तो ए स्क्वायर सी, फिर माइनस सी को ए बी से, तो माइनस सी ए बी सी, है या नहीं? फिर जीरो को बी स्क्वायर से, तो जीरो इंटू बी स्क्वायर, फिर ये ए को बी सी से, तो ए बी सी, फिर माइनस सी को ए सी से, इसको इससे गुना कर रहे हैं। ये कौन सा जगह पे गुना कर रहे हैं? तो दूसरा लाइन का तीसरे स्थान पे, तो दूसरा लाइन का तीसरा से गुना होना है, दूसरा लाइन का तीसरा से। कौन सा स्थान है? दूसरा लाइन का तीसरा स्थान, तो किससे गुना होगा? दूसरा लाइन का तीसरा स्थान से, तो माइनस सी को ए सी से गुना करें, तो माइनस ए सी स्क्वायर, फिर प्लस जीरो इंटू बी सी, फिर प्लस ए सी स्क्वायर। उसी प्रकार इससे गुना करेंगे तो बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, और जीरो से गुना करेंगे तो जीरो इंटू ए सी, फिर इसको दूसरे इससे, तो b को ए बी से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर, माइनस ए को इससे गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर, सी को जीरो, जीरो को बी सी से गुना करेंगे। अब फिर ये थर्ड को थर्ड से, तो ए बी सी, बी को ए सी से गुना करेंगे तो बी ए बी सी, माइनस ए बी सी, माइनस ए बी सी, माइनस ए और बी सी, और जीरो प्लस सी स्क्वायर। देख लीजिए कितना आसान है, ए बी सी से ए बी सी, बी सी प्लस में माइनस में, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये भी माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में, क्या बच रहा है? जीरो जीरो जीरो, इसको जीरो से गुना करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा ना, और ये टोटल जो है सो क्या आ गया? तो जीरो। मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े थे कि दोज मैट्रिसेज हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स एंड इट इज आल्सो कॉल्ड नल मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय जीरो। तो ये बराबर आरएचएस क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए, तो बेहिचक आराम से आप गुना करते रहें रो को कॉलम से, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे हम आपको बोलते हैं पूछ लो जो इच्छा है,
तो उसी तरह से कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए और बना दीजिए, बनेगा। आगे फॉर द कॉलम मैट्रिक्स वेरीफाइड है ए इनटू बी सी बराबर ए बी इनटू सी। फिर से बोलिए। फॉर द कॉलम मैट्रिक्स वेरीफाइड है ए इनटू बी सी, ए इनटू बी सी हां बराबर ए बी इनटू सी। ए बी इंटू सी, ये क्वेश्चन इसलिए जानना है कि दोनों तरफ देखेंगे तो ए बी सी है, दोनों तरफ क्या है ए बी सी, लेकिन ब्रैकेट का यूज क्या है। तो ब्रैकेट जब भी देता है तो पहले उसको गुना करना है, बाद में उसके बाद जो है उसको गुना करते हैं। क्लियर ना। गिवन क्या है ए बराबर रूट तीन माइनस वन, आराम से ए बराबर दो तीन माइनस वन, कौन सी भाषा है यार, टू थ्री माइनस वन, हाँ थ्री जीरो टू, थ्री जीरो टू डी बराबर वन वन टू, वन वन टू रो में या कॉलम में, कॉलम वन वन टू टू, ऐसे ही है ना, देख लो। हाँ एंड सी बराबर वन माइनस रो वन माइनस टू, बस दो ही है, दो ही है। यस सर। चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा, और देखते हैं गुना करके इसमें यूज होगा रो और कॉलम, क्या यूज होगा रो और कॉलम, ठीक है। कितना रो कितना कॉलम किस गुना होगा कि नहीं इस पे बात होगी, ठीक है। हम किसी को भी खड़ा करेंगे, अभी नहीं बोलेंगे कि हाथ ऊपर करो, और आपको गुना करके बताना पड़ेगा, ठीक है। रेडी है ना सब कोई? यस सर। चलिए ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट में बी सी है, B इंटू सी, B कितना है वन वन टू, देखना कितना मजा आएगा इसमें, ठीक है। उम्मीद होगा भी नहीं कि ऐसा बनेगा, लेकिन वैसा ही बनेगा, ठीक है। और इसमें रूल भी समझाएंगे आपको, ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, थ्री बाई वन का है, थ्री बाई, और ये कितना है इसका बाद वाला, इसके पहले वाला से मिल रहा है, मतलब ए का डेफिनेशन ही है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस का, ए का कॉलम और बी का रो मैच किया तो मल्टीप्लाई होगा, एंड विच इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एक और एक दोनों मिल गया, इसका कॉलम इसका रो, तो गुना होगा, और गुना होने के बाद कितना बचेगा, ये भी यहीं पे है, ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स बनेगा, तो थ्री इंटू टू का, कितना बाई कितना का बनेगा, थ्री इंटू टू का बचेगा मैट्रिक्स, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए गुना करते हैं, थ्री इंटू टू का मैट्रिक्स, थ्री रो होगा और दो कॉलम होगा, देखिएगा एक को एक से गुना किया तो कितना हो गया एक, फिर एक को माइनस दो से गुना किया तो कितना हो गया, एक को एक से गुना किया तो एक, एक को माइनस दो से गुना किया तो दो, को एक से गुना किया तो दो, फिर दो को माइनस दो से गुना किया तो माइनस, ठीक है। तो ये थ्री इंटू टू का मैट्रिक्स आ गया ना, ठीक है। नए विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से, एक को एक से गुना किया, फिर एक को माइनस दो से, एक को एक से और एक को माइनस दो से, फिर दो को एक से और फिर दो को माइनस दो से, दो दुना माइनस चार, क्लियर है। अब ये क्या निकला, बी सी, तो हम लोग क्या निकालना है, ए बी सी निकालना है। ए कितना है, दो तीन माइनस एक, तीन जीरो दो, और बी सी कितना आ चुका है, एक माइनस दो, एक माइनस दो, दो माइनस चार, क्लियर है ना। अब ये कितना बाई कितना का है, दो गुना तीन का, और ये तीन गुना दो का, इसका बाद वाला इसका पहले वाला से मिल रहा है, तो गुना होगा, ठीक है, यही रूल है बाबू, ठीक है। और सब राइटर में क्वेश्चन है, सब राइटर एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल के सी सिन्हा सब में, तो मैट्रिक्स कितना बाई कितना का बचेगा, दो गुना दो का, कितना बाई कितना का, दो गुना दो का। चलिए गुना करते हैं, दो को एक से गुना किया तो दो, को तीन, तीन को एक से गुना किया तो माइनस, एक को दो से गुना किया तो इसको इससे, फिर इसको इससे, दो को माइनस दो से गुना किया तो माइनस चार, तीन को माइनस दो से माइनस छः, दो को माइनस चार से माइनस एक को प्लस चार, तीन को एक से तीन, जीरो को एक से, दो को दो से, तीन को माइनस दो से, जीरो को माइनस दो से,
दो को माइनस चार से, कितना बच गया, कितना बच गया, दो दो कट गया तो थ्री, चार चार कट गया तो माइनस छः, चार तीन आठ और छः माइनस चौदह, ये क्या हो गया, आंसर नहीं, क्योंकि हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, अब क्या निकाल दे, नौ। अब ए बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए बी, ए कितना है, दो तीन माइनस एक, तीन जीरो दो, और बी कितना है, वन वन टू, कितना भाई कितना का मैट्रिक्स है, दो गुना तीन, और ये तीन गुना एक एक, तो तीन तीन मिल गया, दो गुना एक का मैट्रिक्स बनने वाला है, इसको इससे गुना किया तो दो एकम तीन एकम माइनस एक गुना, बस फिर तीन को एक से तो तीन, जीरो को एक से तो जीरो, और दो को दो से तो चार, कितना बच गया, तीन और सात, कितना बच गया, तीन और सात। आरएचएस में क्या करना था हम लोगों को, ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी, सो आरएचएस बराबर ए बी, पहले गुना करना था उसके बाद सी, ए बी कितना आया, थ्री सेवन, सी कितना है, वन माइनस टू। अब देखो कैसे बनता है, ये दो रो और एक कॉलम, और ये एक रो और दो कॉलम, इसका बाद वाला इसके पहले वाले से मैच किया तो गुना किससे होगा, दो और दो मैट्रिक्स जो बचेगा बनके वो दो बाय दो का। चलो गुना करते हैं, तीन को एक से गुना किया तो कितना बचेगा, फिर तीन को माइनस दो से, सात को एक से, सात को माइनस दो से, अगर ये दोनों आपस में बराबर आया तो आप वेरीफाई हो गया और प्रूव्ड हो गया, आया या नहीं, तो क्या लिखेंगे, हेंस ए ब्रैकेट में बी सी बराबर ए बी इंटू सी, प्रूव्ड, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, हम आपको जानकारी के लिए बता दें, ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन का जड़ है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व होगा, कभी कभी सिर्फ ये ऐसे दे दिया, ये ऐसे दे दिया, ये भी सिखाएगा कि गुना कैसे हो रहा है। इसमें हम लोग एक दो तीन चार जगह सीखे हैं मल्टीप्लाई करने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं जो एग्जाम में आता है। ठीक है, जिसमें के का मान निकालना हो वो आता है, या वेरीफाई करने के लिए आता है, ये दो क्वेश्चन और बहुत कम समय में, पाँच मिनट में। चलिए फटाफट बोलिए बाबू, इफ ए बराबर फोर माइनस वन माइनस फोर, इधर हाँ हाँ जीरो हाँ माइनस फोर माइनस फोर ए स्क्वायर बराबर आई। ठीक है, तो इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, पिछले वीडियो में हमने बताया आपको कि ए स्क्वायर को दो बार गुना करेंगे तो ए आ जाता है, ए बी को दो बार गुना करते हैं तो ए आ जाता है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए ए को दो बार गुना करेंगे, क्या करेंगे, ए ए को दो बार गुना करेंगे, एल एच एस ए स्क्वायर है, चलो फटाफट बना ही देते हैं, ए गुना ए करेंगे और यही है ना, अब दोनों को गुना करेंगे और ध्यान दीजिएगा, आ क्या जाएगा, आई आई बोले तो एक जीरो 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 एक जीरो 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 एक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दो जे स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स इज आर वन बट अदर एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, वही है यहाँ। चार को चार से गुना किया तो सोलह, देखिए कैसे गुना करें, इससे इससे सेवन, बार बार बता रहे सेवन, माइनस एक को तीन से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस थ्री, माइनस चार को ट्वेल्व, बारह तीन पंद्रह, सोलह में पंद्रह गया तो एक, उसके बाद चार को माइनस एक से गुना किया तो माइनस चार, जीरो और माइनस माइनस प्लस चार,
चार को चार से गुना किया तो माइनस, 16 प्लस चार प्लस चार तिहाई 12, तीन को चार से गुना किया तो 12, 0 माइनस 12, कहाँ माइनस 0 लिख दे बाबू, हैं बताओ 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 बताओ, यहाँ अच्छा सेकंड में चार को माइनस एक से, माइनस एक को जीरो से गुना करेंगे तो माइनस जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम सुन लिए और इसीलिए बोले बताओ बताओ, ठीक है। तो आप भी कन्फर्म रहें कि माइनस एक को जीरो से गुना करेंगे तो माइनस जीरो लिखिए या प्लस जीरो लिखिए, उसका तो वैल्यू जीरो हो गया, तो चार माइनस जीरो या चार प्लस जीरो बराबर चार होता है, ठीक है। चलिए तीन को एक से माइनस एक से गुना किया तो माइनस तीन, जीरो को जीरो से गुना किया तो जीरो, माइनस चार को माइनस एक से गुना किया तो प्लस चार, तीन को माइनस चार से गुना किया तो माइनस 12, ठीक है, और जीरो को माइनस चार से गुना किया तो जीरो को माइनस चार से गुना किया तो जीरो, और माइनस चार को माइनस तीन से गुना किया तो 12, तीन को चार से गुना किया तो 12, माइनस एक को तीन से गुना किया तो माइनस तीन को माइनस तीन से गुना किया तो माइनस 9, थ्री को माइनस वन से माइनस 3, माइनस वन को जीरो से जीरो, माइनस थ्री को माइनस वन से प्लस 3, क्लियर, थ्री को माइनस फोर से माइनस 12, माइनस वन को माइनस फोर से प्लस 4, माइनस थ्री को माइनस थ्री से प्लस 9। क्वेश्चन को थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा छोटा कीजिए और देखिए, आपको मिलेगा 100 010 001। तो अब बोलेंगे आप कैसे लिख दिए, तो देख सकते हैं 16 12 3 15, 16 में 15 गया तो 1, 4 4 कट गया 0, 12 4 16 में 16 गया 0, 12 12 कट गया 0, 4 में माइनस 3 गया तो 1, 12 12 कट गया 0, 9 3 12 में से 12 गया 0, 3 3 कट गया 0, 9 4 13, 12 में 13 में 12 गया तो 1, और इस प्रकार आई बराबर आर एच एस रूट, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन रहे आप बिल्कुल और आसानी से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बोलिए। हाँ, इफ ए इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2, सो दैट ए स्क्वायर माइनस, हाँ, इज इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का एग्जाम अबर 2022 का मैथ्स एग्जाम में भी आने वाला है, ठीक है। तो बहुत सिंपल, वी हैव टू सो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, तो सिद्ध करना है तो क्या करेंगे, LHS, क्या करेंगे, LHS. कितना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ए स्क्वायर को दो बार लिखेंगे माइनस 5, फिर a को लिखेंगे और फिर i को लिखेंगे, a कितना दिया हुआ है 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 2, और i तो पढ़ चुके हैं आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 होता है, क्लियर है ना, हाँ या नहीं, क्या यस, क्लियर है, चलिए तो क्लियर है तो जरा गुना करके भी हमको बताइए इसको, इससे रो को कॉलम से, तो तीन को तीन से गुना करेंगे कितना जाएगा, 3 3 9, एक को माइनस एक से गुना करेंगे तो माइनस एक, फिर तीन को एक से गुना करेंगे तो 3, एक को दो से गुना करेंगे तो 2, माइनस एक को तीन से गुना करेंगे तो माइनस 3, दो को माइनस एक से गुना करेंगे तो माइनस 2, माइनस एक को एक से गुना करेंगे तो माइनस 1, और दो को दो से गुना करेंगे तो 4, प्लस लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे, प्लस, क्यों प्लस लिखेंगे, घटाने का ज़्यादा टेंशन ना हो, माइनस 5 तिहाई माइनस 15, माइनस 5 गुना 1 माइनस 5, माइनस माइनस प्लस 5, 5 दुना 7 0 0 7 7 0 0 7, क्लियर। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, 9 में 1 चला गया बाबू तो 3 2, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 3, ये दोनों को जोड़ दे
प्लस है ना, माइनस 15 और 7 कितना हो जाएगा, माइनस 8 है या नहीं, माइनस 5 और 0, 5 और 0, माइनस 10 और 7, उसके बाद देखिए तो माइनस 8 और 8 कितना हो गया, 5 और माइनस 5 कितना हो गया, माइनस 5 और 5, 3 और माइनस 3, ठीक है। अभी अभी एक 3x3 का क्वेश्चन था, उसमें भी 0 0 0 आया, और हम जीरो मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताए थे कि दोज मैट्रिसेज हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, और इसको हम लोग जीरो कहेंगे, और यही जो है सो इसका RHS है। इससे और एक बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें K का वैल्यू निकालना है, जिससे आप पूछ रहे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहे, कभी कभी देखिए इस तरह से दे देगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ए दे दिया, क्या ए कुछ भी दे दिया, बोलेगा एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो बोलेगा एफ ए निकालो। देखो बाबू सेम है ये, सेम, तो x के जगह पे a रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2, और इसमें कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, i लगा देंगे, क्या लगा देंगे, i, क्लियर। अगर a दे दे और एफ एक्स दे दे तो बोले एफ ए निकालना है, तो आप x के जगह पे क्या पुट कर दोगे, a, क्या पुट करोगे, a, और फिर इक्वेशन क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2, और इसमें कुछ नहीं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगेगा, उसमें i लगेगा, 2x2 का है तो 2x2 का आई लगेगा, और 3x3 का है तो 3x3 का, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बोलिए, इफ ए इज इक्वल टू 3-2 4-2 फाइंड के, हाँ, सो दैट नहीं होगा बाबू, ओ सो वही तो बोले, सो फाइंड के भी बोलेगा और सिद्ध भी करने बोलेगा, ऐसा नहीं, सो ये सो, हाँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, ठीक है। के का मान निकालना है, और गिवन क्या है, ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i, फिर वही काम, ए को दो बार लिख देना, 3-2 4-2 3-2 4-2 के ए 3-2 4-2 आई कितना, 1-0-0-1, तो 3 तिहाई रो कॉलम, 3 तिहाई 9, फिर 4 × 2 - 8 ना, फिर 3 × 2 - 6 माइनस माइनस प्लस 4, 4 × 2 - 8 माइनस माइनस प्लस 4, सब एक ही जैसा है। k का मान निकालना है, तो इसको हम उधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा ना ये, हाँ या नहीं, और इधर k 3-2 4-2 9 और 8 कितना हो गया, 1, 9 में 8 चला गया 1, माइनस 2, यहाँ कितना प्लस 4, यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, 2-0-0 बराबर के 3-2 4-2, 2 और 1 माइनस 2, 4-0, देखिए तो दोनों सेम आ गया कि नहीं, हाँ या नहीं, तो क्या हो गया, इसलिए k बराबर 1 नहीं, लॉन्ग करने का मन है तो और क्या कर सकते हैं आप, 3 बराबर 3k, हाँ या नहीं, ये कोना बराबर ये कोना, कैसे गुना करने के बाद, तो 3 कट जाएगा तो k बराबर कितना हो जाएगा, 1, अरे तो ये पूरा इससे ही पूरा कट गया तो k बराबर भी, हालांकि इसे काटना नहीं है, क्लियर, इजी क्वेश्चन है ना, हाँ या नहीं, ठीक है। कभी कभी लगता है कि नहीं बनता, और बनने के बाद लगता है इतना आसान है कि हम बना सकते थे, तो बुक में इसीलिए एग्जाम्पल दिया होता है, किताब के बाद में हिंट्स दिया हुआ रहता है, ठीक है। आप जितना खुद से मेहनत करेंगे आप में उतनी क्वालिटी डेवलप होगी, ठीक है, जितना आप कॉपी करेंगे उतना आपकी समझदारी कम होगी,
इसलिए हर क्वेश्चन को आप अपने तरीके से बनाने का कोशिश कीजिए। आंसर नहीं आया तो हम हैं, और अगर आंसर आ गया तो आप आगे बढ़ते रहें। क्लियर है ना? चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो एक्स वाई का मान निकालने का है। चलिए बोलिए तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हाँ आगे टू माइनस हाँ वन वन एक्स वाई हाँ वन थ्री इतना ही है ना। चलिए देखिए यहाँ इसको इस रो को किससे गुना करना है, इसके कॉलम से। तो दो को एक से गुना किया तो दो एक्स, माइनस तीन को वाई से गुना किया तो एक को एक्स से गुना किया तो एक्स, एक को वाई से गुना किया तो, और वीडियो नंबर वन में ही वीडियो नंबर टू में हम लोग इसको पढ़े थे और बनाए थे। यहाँ इक्वेशन क्या है, टू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर वन और एक्स प्लस वाई बराबर थ्री। ये इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू, ये इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू। क्लियर? अब कैसे बनाएंगे, तो समीकरण एक प्लस समीकरण दो को तीन से गुना कर दे रहे हैं, तो तीन वाई हो जाएगा और यहाँ तीन वाई कट जाएगा ना। हाँ या नहीं? कौन क्लास का रूल है ये? ओबियसली टेंथ क्लास। तो टू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर वन और थ्री से गुना कर दिए इसमें, तो थ्री एक्स प्लस थ्री वाई बराबर तीन ती आई नौ। ये क्या हुआ, कट गया, तीन दो पाँच एक्स, नौ एक दस, एक्स बराबर दो, पाँच दूना दस। अब किस में बैठा दे, फ्रॉम वन या टू में? वन, जिसमें मन है उसमें बैठाइए। टू में बैठाइएगा तो थोड़ा आसान पड़ेगा, एक सीधे रख दीजिए इधर आके घटा दीजिए, और इसमें बैठाइएगा तो थोड़ा लंबा। तो हमेशा गणित को आसान बनाने का कोशिश कीजिए। दो प्लस वाई बराबर थ्री, तो वाई बराबर थ्री माइनस टू, तो वाई बराबर वन। यहाँ क्या लिखना है, हेंस एक्स बराबर वाई बराबर, कोई दिक्कत? और कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ हाँ चलिए। इफ ए इज इक्वल टू थ्री वन नीचे हाँ फाइंड एक्स एंड वाई हाँ सच दैट ए स्क्वायर प्लस हाँ वाई ए। चलिए देखिए यहाँ एकदम आसान क्वेश्चन है, थ्री वन सेवन फाइव, थ्री वन सेवन फाइव प्लस एक्स आई कितना को, वन जीरो जीरो वन को, ए कितना थ्री वन सेवन फाइव, गुना कीजिए कैसे इस रो को इस कॉलम से, तीन तिहाई प्लस तीन एकम एक गुना तीन एकम तीन और एक गुना पाँच, बहुत आसान है। सात तिहाई सात पचे सात एकम पाँच पचे प्लस एक्स जीरो जीरो एक्स बराबर थ्री वाई वाई सेवन वाई फाइव वाई, नौ सात सोलह, पाँच तीन पैंतीस इक्कीस फिफ्टी सिक्स, पच्चीस पाँच तीस दो बत्तीस प्लस एक्स जीरो जीरो एक्स बराबर थ्री वाई वाई सेवन वाई फाइव वाई। अब जोड़ दीजिए सोलह प्लस एक्स, सोलह प्लस और एट प्लस जीरो कितना हो जाएगा एट, छप्पन प्लस जीरो कितना छप्पन, और बत्तीस प्लस एक्स बराबर थ्री वाई वाई सेवन वाई फाइव वाई, कोई दिक्कत है क्या?
सिर्फ छोटा सा गुना का प्रोसेस करना और किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से बन जाना। यहाँ देखिए दो पार्ट कर दे रहे हैं, यहाँ देखिए तो वाई बराबर ये आठ बराबर क्या है, वाई आठ बराबर क्या हो गया वाई, यहाँ 16 प्लस एक्स बराबर कितना है 3y, वाई की जगह कितना पुट करें वाई बराबर 8, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 × 8 और ये प्लस 16 है तो इधर आया तो 8 × 3 − 16 कितना 8, तो क्या लिखेंगे आप, हेंस एक्स बराबर 8 और वाई बराबर ऑल्सो 8। तो बहुत आसान इलेशन है, सिर्फ गुना करना और मेहनत करना खोजता है और बहुत सारा क्वेश्चन होगा। और अंत में एक छोटा सा सूचना, गर्मी का समय है और अभी अभी आज ही के दिन में चित्रा में एक शॉर्ट सर्किट या पता नहीं कैसे बड़ी आग लग गई और लगभग घर का बहुत सारी संपत्तियां जल गई। इसलिए जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं आप लोगों से छोटा सा आग्रह होगा कि आपके घर में अगर गैस चूल्हा, गैस से चूल्हा जलता है और गैस का यूज करते हैं तो रात्रि में आप गैस का नोब को बंद कर दें, जहाँ गैस सिलेंडर लगा होता है वहाँ पे एक रेगुलेटर होता है वहाँ पे बंद कर दें। चूल्हा में बंद करना तो ठीक है, अगर पाइप किसी भी तरह से कट गया और गर्मी का टाइम है लोग स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, फैन चलता है, स्पार्क अगर कहीं करेगा तो पूरा आग लग सकता है, तो आप क्या करें गैस का नोब को बंद कर दें, इससे क्या हो जाएगा गैस सिलेंडर से गैस का निकलने का खतरा कम हो जाएगा। दूसरा, जहाँ भी बिजली का बोर्ड होगा आपका वहाँ पे ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल डीजल या कपड़ा आसपास ना रखें, ताकि अगर वो स्पार्क भी करता है जलता भी है तो नीचे खाली होगा तो जलकर वहीं पे गिर जाए, ठीक है। अगर कपड़ा होगा तो जलने से पूरा घर में आग लग सकता है, तो इसे बचाव के लिए अगर हम पढ़े लिखे हैं और सिर्फ किताबी जानकारी रखते हैं और वर्तमान परिवेश में जो हो रहा है उसके बारे में नहीं समझते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। जैसा कि आज आग लगने से उसने क्या नहीं खोया, अपने जीवन की पूरी कमाई और साथ में उनके पिता का भी डेथ हो गया आग लगी के कारण ही, और एक आधा लगभग जल भी गए, तो ये सब बड़ी आपदा है जिससे हम लोग सतर्क होकर बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।